एक बार फिर से स्वागत है आप सभी सब्सक्राइबर्स का मेरे चैनल पे। तो अगर आप में से कोई बड़ा है तो उसको नमस्कार, और कोई छोटा है तो उसको हेलो। तो आज जो है मैं जा रहा हूँ अपने बाइक का थोड़ा काम करवाने, क्योंकि इसका फ़िलहाल कुछ टाइम पहले भी एक्सीडेंट हो गया, तो इसका कुछ बहुत सारे सामान टूट गया था। तो इसका वाइज़र जो है आज आ गया है, और शायद हैंडल बार भी इसका आ गया है। तो मैं जा रहा हूँ लगाने भद्राश। तो भाई ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये टूटा था वो ना, ये देखो ये वाला टूटा हुआ था, ये आ गया है, और ये वाले शायद आ चुके हैं। अब मेरे को ज़्यादा बताया नहीं उन्होंने, तो अब लगेगा पूछ के ही पता कि क्या आया क्या नहीं। तो भाई निकल जाता हूँ घर से, बोला कहते हैं ना कि शुभ काम है देरी कैसी। तो यहाँ देखो भाई, हेलमेट कितना गंदा हुआ है मेरा भाई, यार कोई चीज़ों की कदर ही नहीं है। और ये लगवा देता हूँ इसमें यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत बाइक साफ सूफ करके थोड़ा स्टार्ट करके फिर निकल जाता हूँ। तो गाइज कर लेता हूँ बाइक स्टार्ट। भाई बाइक धोने को ही है, बहुत ज़्यादा धोनी तो थी पर अभी टाइम भी नहीं है इतना। और ये मीटर पे आ गई लाइट, ये दो भगवान के नाम पे सेल्फ सीधा। और तुम्हारे भाई पास ना तेल भी बहुत कम है यार, भाई टाइम पे पहुँचना पड़ेगा पेट्रोल पंप पर। मैंने घर के लिए भी लाना था। और दूसरा काम मेरे को ये भी है कि हमने ना गाइस ट्रैक्टर लिया हुआ है जो खेत में हल लगाता है ना, मतलब वो यहाँ आगे रखा हुआ है, तो उसके लिए भी मेरे को ना 2 लीटर तेल लाना है। तो 2-1 लीटर अपने बाइक में डाल दूँगा, फिर बाइक का काम करवा के फिर घर आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे को उसका ना खेत में काम है यार। तो थोड़ा यार बिजी हूँ आजकल, तो ब्लॉग कभी नहीं बन रहे यार। उम्मीद करता हूँ भाइयों आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। आप कुछ लोग कर लेते हो यार शेयर, कुछ लोग नहीं करते हो यार, कमेंट भी कर दिया करो यार भाई यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में। ब्लॉग बनाओ, फिर पूरी रात एडिटिंग करो, फिर इतना नेट फूक के अपलोड करो। तो भाई यार इतना कुछ करने के बाद ना यार, अगर थोड़ा सा सपोर्ट भी करोगे ना, थोड़ा सा शेयर, यार क्या मज़ा आएगा भाई, माँ का बिन भाई। तो भाई आज ना कुछ कैमरे में कुछ अलग ही दिख रहा है यार, बेरम दिख रहा है। और गाइस आजकल देखो भाई सतलुज कितनी कम हो गई है, सर्दी आ जाती है ना, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं वो जम जाते हैं फिर से, तो फिर सब कुछ कम हो जाती है। तो भाई कितनी कम हो गई है। और भाई आज का व्यू तो यार मेरा भी भाई दिल छू गया भाई इस व्यू के, तो भाई माँ का तो मज़ा आया था भाई। और जुगनू की फुल पावर है भाई आज का दुआ, वैसे जुगनू शायद हमारे पास कुछ टाइम ही रहेगा, उसके बाद इसको थोड़ा दे देंगे किसी और को यार। तो अगले महीने तक ना मेरा नया बाइक आ जाएगा, तो थोड़े पैसे भी इकट्ठे कर रहा हूँ, तो थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा ना भाई यार, रात दिन में यार कुछ तो करना पड़ेगा यार, एक तो लाइफ तो बनता ही है भाई यार। देखो ना बीच रोड में ना इन्होंने कच्चा रोड रखा था आके, और ये गाइस मेरे घर के थोड़ा आगे पुल है, ये जट वालों का पुल बना हुआ, और ये सतलुज इसको क्रॉस करता है, और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट को पहुंच जाता है पाली साइड, इधरली साइड है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का, और ये पाली साइड शिमला डिस्ट्रिक्ट। सोचो यार कितना ईजी है यार हमारे लिए, 2 मिनट में शिमला, 2 मिनट में कुल्लू, वाह यार। लोगों तो घंटे लग जाते हैं, मतलब कुल्लू मनाली पहुँचते हुए, हम तो रोज़ ही अप डाउन करते हैं यार। तो गाइस मैंने ग्लव्स भी नहीं लगाए हैं, ग्लव्स या ऊपर ही साइड लगाऊंगा मैं थोड़ा, क्योंकि थोड़ा यार समझना पड़ता है, लिए यार तो लगाना भूल जाता हूँ यार भाई, अब क्या करूँ यार, याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है ना यार, बुढ़ापा आ गया है भाई। हाँ वो गाइस भाई पर्दे को ट्रक क्या बनाया बंदे ने भाई, कितना मॉडिफाई कराया है यार भाई यार, ऐसे से बंदे ना भाई क्रेजी होते हैं भाई, ये कस्टम से भाई। और ये होते हैं जो भी बंदा मतलब गाड़ी को मॉडिफाई कराया करा, वो दरअसल ना सिंगल ही होता है भाई, क्योंकि मेरी तरह, क्योंकि वो सारे पैसे ना अपनी गाड़ी में लगा देते हैं, उसको पता है गर्लफ्रेंड तो है नहीं, किसको लगाना पैसा यार, कहीं तो खर्च करना तो पड़ेगा। और दिल भाई ये पिकअप वाला तो काफ़ी समझदार निकला है यार, ये मतलब इतने और आगे चलिए भाई राइडर इनके साथ चलते हैं। भाई तकड़ा ही भाई, फुल पावर है बंदे चले हुए। व्हाट्सएप ब्रो, व्हाट्सएप ब्रो। भाई इनके बाद तो माइक भी तकड़ी है भाई, अच्छे बबुआ हमारे साथ रेस। हाँ भारी पड़ेगी तुमको, चलने के साथ लगा रहा रेस बनता है।
भाई रोड रोलर, क्या हाल चाल तेरे भाई? बंदों ने सही किया यार भाई, इनके तो मतलब हेलमेट में भी लाइट चली है भाई। यूपी के बंदे है वाह, यूपी गाइस, ये तो भाई तगड़े चले हुए भाई। यूपी भाई भी कम नहीं भागती, इनको पीछे रख दे थोड़ी देर में ही हम। पर यार अगर बेफालतू का रिस्क ना लेना चाहता मैं, इनकी मेरे अंदर थोड़ी दशक हुई है। यार ये बंदी तो निकल ही गई बिल्कुल। ओहो यूपी भाई, आराम से चलो भाई, मरेंगे तुम यार। उससे अच्छा भाई अपने साथ ठीक है, अपनी बाइक जो है फुल ऑटोमेटिक है भाई, खुद चलती है। देखो बैठे रहो चौकड़ी मार के और चलाते रहो, लगे खुल चलेगी भाई। बस थोड़ा एक्सलेटर दो यार इसको यार भाई, तेल वापसी में डालूंगा तेल तो। तुम्हारा भाई तो पहुंच गया बदराश, मैं यहीं तो भाई यार। मजा आ जाता है यार बाइक चला के, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा मैं यहाँ पे आगे मैकेनिक के पास। मैकेनिक के पास करवा लेते थोड़ा काम इसका। और भाई यहाँ ना विंड ब्लास्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, हवा फट रही है, हवा चली एकदम एक नंबर हवा चली हुई है। तो भाई पहुंच गया हूँ मैं मैकेनिक के पास, यशु भाई के। और गाइस यहाँ पहुँच गया हूँ आशु भाई की दुकान के पास, पर यहाँ पे है नहीं वो लंच करने की है शायद। यहाँ पे एक बंदे का वो था, ये वो खुद भी है यहाँ पे कि नहीं, पर बाइक उस बंदे की यहाँ पे है। तो यार अब वेट करना पड़ेगा उन भाइयों का कि कहाँ गए हैं। ये बाइक है भाई उस बंदे की, बाइक भी बंदे ने भाई खुद मॉडिफाई कराई हुई है। देखो भाई 220 की तरह बनाई हुई है, साइलेंसर 220 की तरह है, मतलब एकदम डेयरिंग बाइक है, डशिंग बाइक है भाई कसम से। और अपनी जुगनू तो यार कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ सकती। तो भाई चलो थोड़ा वेट कर देता हूँ उनका। भाई ये बंदा कहाँ गया? यहाँ पे कौन है फिर भाई? यहाँ चल है स्कूल नहीं गया क्यों? यहाँ पे कौन है यार? नहीं अरे इधर वाले में जो ही है। अच्छा यहाँ पर ही चल ठीक है, आएगा ब्लॉग में। बढ़िया भाई बढ़िया, आप ही का वेट कर रहे थे यहाँ पे। तो भाई ये है बंदे की दुकान, मॉडिफाई करते हैं भाई जी। हमारा भाई तो आया था यहाँ पे अपने बाइक का काम करवाने, पर यहाँ पे भाई तुम्हारे भाई को आ गया हेलमेट पसंद एक। तो भाई हेलमेट दिखाता हूँ मैं आपको, स्टड का हेलमेट है इसमें। तो भाई ये हेलमेट है भाई, कैसा लग रहा है भाई आपको? भाई ये हेलमेट ना 3000 का था और बंदे ने हमारे को 2500 में दे दिया भाई। देखो भाई क्या बेर है, और इसके अंदर से ना चश्मा भी है भाई, कहाँ से निकलता वो? और देखो भाई इधर से निकलता है, क्या लग रहा है भाई, एक बार लगा के देखते थे उसको यार। ओ भाई ये तो बेरहम लग रहा है यार। अब लग रहे ना बिल्कुल राइडिंग वाले। अश्वाई निकालो उसको, ये रखना आया मैं क्या गया है। अब ये वाइजर लगा देंगे, बदलना है तो मैंने इसको बदल देता हूँ, तो बारिश हो रही है यार।
साइड में से दिखता नहीं है थोड़ा बंद कर दे अभी। अब लग रहा है बतकड़ाई। और गाइस मेरा लग गया आगे वाइजर, कितना नया लग रहा है अभी तो। फिर इसकी हालत वैसी हो जाएगी बिना ना दो के तो वैसी हो जाएंगे। और ये लग रहा है अपना बैनियर, अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ, हेलमेट लिया मैंने वो उसको यहाँ लगा के रख दिया है। तो गाइस अभी यहाँ पे ना चैनल का नाम लिखवा दूँगा, अभी तक मैंने इसलिए नहीं लिखाया था क्योंकि मुझे पता था कि ये टूटा हुआ था वो। और भाई अपने बाइक में लग गई है बैनियर और भाई फुल डैशिंग बाइक लग रही है भाई। पर भाई अगर ये बैनियर होता तो अच्छा लगता, पर ये इसमें हेलमेट रखा हुआ है, पर ऐसे ही लग रहा है कि जैसे बैनियर ही लगाया है इसमें, जैसे बैनियर जो भी होता है। क्या लग रही है यार भाई बाइक। और कुछ टाइम बाद अपने चैनल का नाम यहाँ लिखवा दूँगा, बस फिर बन गए हम पूरे राइडर, फिर हर कोई कर देगा सब्सक्राइब देख के ही बंदे को। और भाई यहाँ का व्यू ना भी कुछ ऐसा है, और आज मौसम भी थोड़ा ख़राब है, बारिश होने वाली है। तो चलता हूँ मैं भी अब घर, क्या करना फिर यहाँ पे। हाँ थोड़ा टायर में हवा डाल देता हूँ फिर घर निकल जाना है सीधे मैंने। अब तो यहाँ पे है कि जैसा वहाँ पे पूछते हैं कि पड़ जाएगी हवा कि नहीं, क्या सीन है ज़रा। यहाँ है भाई इधर है, हवा डालनी थी भाई जी, हवा भाई जी के पास तो है फिक्र से हवा, तो यहाँ डालते हवा। पीछे करूं सेंटर नहीं है इसमें, है नहीं नहीं है ही नहीं इसमें, पीछे कर दो। हो गया कितनी है कितने भाई जी? दस है। यार इसमें कहीं से हल्का सा पंचर लगा हुआ है, पता नहीं लग रहा। पर हो गया ये लो ठीक है। गाइस यहाँ पे हो गया बंद हो गया स्कूल की छुट्टियाँ। तो गाइस तुम्हारा भाई पहुंच गया है घर, और भाई मैंने देखो आज भाई कितना अच्छा हेलमेट लिया है भाई, ये देखो भाई। और इसकी भी देख पन्नी भी नहीं उतरी है, पन्नी को भी मैं उतारूंगा, ये इसकी पन्नी है और ये उतर गई। और यार भाई क्या हेलमेट है भाई, ये देखो 3000 की हेलमेट है ये। और भाई मेरे को पड़ गई ये हेलमेट, कितने की पड़ी होगी आपको क्या लगता है? ये मेरे को 2500 की पड़ गई है, और अभी तक पैसे इसके दिए नहीं है मैंने, बस उधार ली हुई है। अब तुम्हारे भाई के पास है 3 हेलमेट जो भी होता है यार, एक बोले नहीं जाता। एक तो ये वाला रॉयल इनफील्ड वाला, और एक ये, और एक वीगा का है। अब 3 हेलमेट हो चुके हैं। अब बस अब ये बाइक, ये हेलमेट का यूज़ तो मैं तब करूँगा जब अगले महीने मेरी नई बाइक आएगी, तब तक उसको यूज़ नहीं करूँगा मैं, इसको तब तक मैं परे ही रखूँगा। तो और तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भाई दबा दो भाई, फुल दबा दो भाई। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और बाय बाय।